वेलकम टू फाइजा किचन एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक रेसिपी आलू की। जी, आलू का भरता बिल्कुल मेरे स्टाइल से बनाएंगे आज आप। बहुत मजे का बनता है, रोटियों के साथ, पराठों के साथ बहुत मजे का लगता है। और अगर बच जाए ना तो आप बच्चों को सैंडविचेस बना के भी दे दें, ब्रेड पे लगा के खाएं इसको। इतने मजे के सैंडविचेस बनते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो है बहुत सिंपल सा भरता, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ 3 आलू, आप साइज देख सकते हैं, 2 दरमियाने हैं, 1 बड़ा है, 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, 2 से 3 हरी मिर्चियाँ छोटी वाली जो थोड़ी तेज होती हैं, और हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया आप ना खाना पकाने से पहले जब शुरू करते हैं रेसिपी उस वक्त से धो के काट के मत रख लिया कीजिए, वरना ना धनिया के पत्ते मुरझा जाते हैं जब तक आप एंड में उसको डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। तो गार्निशिंग का काम क्योंकि हम एंड में करते हैं तो हम इसको धो के एंड में ही काटेंगे, ठीक है। उसके बाद मसालों में चंद से बेसिक मसाले हैं, ये देखिए, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, जीरा, ये मेरा घर का भुना पिसा हुआ जीरा है। ये डालने से, बाजार के जीरे पाउडर से और घर के भुने पिसे जीरे पाउडर में बहुत फर्क होता है, ये डालने से टेस्ट ही अलग आता है। कड़ी पत्ते के, ये आप देख रहे हैं मेरे पास इतने पत्ते हैं कड़ी पत्ते, ये सूखे हुए हैं, मैं कड़ी पत्तों को प्रिजर्व करके रखती हूँ, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छे रहेंगे। फिर यहाँ पे राई, और ये है काली मिर्च कुटी हुई, चाहे तो आप काली मिर्च साबुत भी डाल सकते हैं, मैं कुटी हुई इसलिए डाल रही हूँ, उसका टेस्ट जरा अलग सा आता है। इसके बाद ये है कलवंजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें जाएंगी और बस बनाना शुरू करते हैं। आलूओं को हमने छील कर, काट के धोकर रेडी कर लिया है कुछ इस साइज में, ये देखिए, आपकी मर्जी है, आप इससे ज्यादा थिक भी रख सकते हैं, ये साइज बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। अब मैं इसे बॉयल करते वक्त इसमें नमक डाल के इसको बॉयल कर लूंगी। करते हैं आलूओं को फोर्क की मदद से, आप इसको प्रिक करके देखिए, इस तरह से ये देखें आराम से टूट रहा है। बस ये वो स्टेज है कि इससे ज्यादा हमें आलू नहीं गलाने, बहुत ज्यादा इसको नहीं गलाइएगा वरना फिर भुजिया बनाते वक्त प्रॉब्लम होगी। बस इतना हो कि आपने एक पीस को अगर इस तरीके से काटा या कोई भी छुरी की नोक से आपने चेक किया है तो ये आराम से देखें टूट रहा है, बस इसमें बहुत जरा सी कसर रह गई है। अब हम सारा पानी निकाल लेंगे। ये हमारे आलू जो हमने अभी बॉयल करके नमक के पानी से रेडी कर लिए थे, पूरे छान लिए, पानी बिल्कुल ना रहे, और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पैन गरम करने रखा है, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑयल, आप जो भी यूज करते हो, आप ओलिव ऑयल में भी पका सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज किया है। जैसे ही तेल गरम होने लगे हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हमें हल्का गुलाबी करना है, ज्यादा देर तक नहीं पकाना। मेरी प्याज यहाँ हल्की गुलाबी हो गई है, अब मैं इसमें डालूंगी राई और काली मिर्च कुटी हुई और मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ अब मैं डालूंगी कड़ी पत्ते, ये मैंने धो के साफ करके प्रिजर्व करके रखे हुए थे, अब इनको हम मिला लेंगे। कड़ी पत्ते जिस वक्त आप लाएं उन्हें धो के साफ करके आप सुखा लें एक ट्रे में, और उसको डंडियों से अलग ना करें उस वक्त, जब वो 2 दिन के अंदर सूख जाए उसके बाद आप डंडियों से पत्ते तोड़ के डंडियां फेंक दीजिए, और कड़ी पत्तों को आप किसी एयर टाइट बॉटल में डाल के रख लीजिए। शेल्फ लाइफ भी इसकी काफी रहती है, नहीं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, मैं तो कैबिनेट में ही रख लेती हूँ, खराब नहीं होते। अब इस वक्त इसमें जाएंगे ये सारे मसाले चारों, स्पून की मदद से इसे मिक्स करके, ज्यादा देर हम नहीं, बस सिर्फ मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और इनकी खुशबू आने लगे। इस वक्त बहुत प्यारी कड़ी पत्तों की और राई की खुशबू आ रही है मेरे किचन में। अब बस ये देखिए, ये इस वक्त तैयार है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले और प्याज जले ना, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पानी। मसाला देखिए हमारा तैयार है, पानी सूख चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, इस पॉइंट पे अब हम ऐड करेंगे ये जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं, ये शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे भुनेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इस वक्त हम इसमें उबले हुए ये आलू ऐड करेंगे जो हमने पहले से रेडी करके रखे हैं, और हम इन्हें मिला के अच्छे तरीके से
इसकी भुनाई करेंगे इस तरह से कि मसाला और आलू एक जान हो जाएं, ये अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो जाएं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सब मसालों की इसमें इस वक्त, और कड़ी पत्ते की खुशबू तो बहुत बेहतरीन है। इसमें आप कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा इस भुजिया में, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता ना हो तो मेरी ये ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा। मेरी वीडियोज़ पूरी फॉलो किया करें, पूरी देखा करें एंड तक, क्योंकि मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही होती हूँ जो कि हम लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किचन को मैनेज करने के लिए। मसाला इसमें भुन चुका है आलूओं के साथ। अब मैं लिड लगा के इसको 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रखूंगी, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करेंगे। 5 मिनट इस पे दम आने के बाद हम लिड खोल के देखते हैं। ये देखिए, अब इस वक्त हम इसमें जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी हैं वो शामिल कर देंगे और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। मिक्स करते साथ ही आप इसको चमचे की मदद से थोड़ा प्रेस करिए इस तरीके से, तो देखें आराम से प्रेस हो रहे हैं। ये भुजिया बहुत जल्दी तैयार होती है क्योंकि हम इसका सारा टाइम इस तरह से सेव कर लेते हैं कि हम शुरू में नमक के पानी में आलूओं को उबाल लेते हैं, तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। अगर आप कच्चे आलू इन्हीं मसाले में डाल के बनाएंगे तो इस भुजिया का एक अलग ही मज़ा आएगा, तो ये इस तरीके से बनाने से अलग ही मज़ेदार बनती है। अब ये देखें, जो थोड़े बड़े बड़े चंक्स हैं हम उन्हें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चमचे की मदद से तोड़ देंगे, कहीं कहीं पर थोड़े से मैश हुए हुए लगें, कहीं कहीं पर सारा नहीं कचोलेंगे, बस हल्का हल्का कहीं कहीं इस चमचे की मदद से प्रेस करके इस तरह से कर देंगे। अब इस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे कलवंजी। कलवंजी डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। उनकी भुजिया को हमने डिश आउट कर दिया, देखें कितनी मज़ेदार तैयार हुई है और झटपट तैयार होती है क्योंकि हमने आलूओं को पहले ही बॉईल कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला गार्निशिंग पर्पज से, और इस पर सजाएंगे हम खुशबूदार हरे धनिए से। जी देखें कितनी मज़े की ये आलू की भुजिया तैयार हो गई है। ये तो अगर बच भी जाए ना तो आप यकीन करें सैंडविचेस में इतनी मज़े की लगती है, टी टाइम सैंडविचेस बनते हैं इससे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों से कैसी बनी और आप लोगों के घर वालों को कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।